ठीक है जी, चलिए जी क्लास को शुरू करते हैं बेटा लोग। टॉपिक नेम आप लोगों ने लिख लिया रहेगा, डिफरेंसिबिलिटी नहीं सर, लिख का नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। लिया सर, हम लिख कुछ लिया। प्रॉब्लम एंड इम्पोर्टेंट नोट्स लिखने वाले हैं। आपको पहले ही बता दिया हूँ कि डिफरेंशियबिलिटी का जो सिलेबस है वो कंटिन्यूटी का ही सेम रहेगा। एक एक्स्ट्रा टॉपिक कंटिन्यूटी में पढ़ कर रखे हैं, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। ऐसा कोई थ्योरम हमारा डिफरेंशियबिलिटी में नहीं आने वाला है। एक चीज और कि हमारा कंटिन्यूटी में पंगा करने वाले तीन फंक्शंस थे, चोर फंक्शन। वो कौन कौन से फंक्शन थे बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। क्योंकि इनके ग्राफ अपने डोमेन में टूटते हैं, जब टूटते हैं तो फंक्शन का कंटिन्यूटी का पंगा होता है। डिफरेंशियबिलिटी में एक दोस्त आपके साथ और जुड़ेगा जिसका नाम रहेगा मॉडुलस। तो तो पता डिफरेंस है ये क्यों ना। एक हो गया मॉडुलस, दूसरा हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर, थर्ड फ्रैक्शनल पार्ट एंड फोर्थ सिग्नम एक्स। ये अच्छा फंक्शन है डिफरेंशियबिलिटी में। अगर सवाल पूछेगा आपसे डिफरेंशियबिलिटी का तो सबसे ज्यादा मॉड से पूछता है, सबसे ज्यादा। ऐसा क्या है मॉड में कि सर डिफरेंशियबिलिटी का पंगा आता है? ये हम बाद में सीखेंगे, फिलहाल दो चार सवाल करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सर। कुछ ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन सीखेंगे हम लोग। प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी में अभी तक जो हमने बेटा पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस फंक्शन में क्या होता है, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल दोनों बराबर होते हैं यस सर। फंक्शन के उस वैल्यू पे। जिसको लिखने का एक और तरीका होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, ये इक्वल होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स से, एंड ये इक्वल होगा आपका एफ ऑफ ए से। ये कंटिन्यूटी का फंडा है। अगर मैं डिफरेंशियबिलिटी की बात करूं तो डिफरेंशियबिलिटी में भी बेटा लिमिट का ही रोल आएगा, बस फर्क ये होगा कि हम डिफरेंशियबिलिटी में फंक्शन के डेरिवेटिव का लिमिट निकालते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, वहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। सो डिफरेंशियबिलिटी की बात की जाए तो हम लोग ऐसा लिखेंगे सर, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, यही आपका निकालना है, बाकी कुछ नहीं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का लिमिट निकालिए, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, उसका लेफ्ट डेरिवेटिव निकालो, उसका राइट डेरिवेटिव का लिमिट निकालो। कई बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि सर हमको डिफरेंशियबिलिटी में किसका लिमिट निकालना है। तो बेटा याद रखें, लिमिट ऑफ डेरिवेटिव, हमें डेरिवेटिव का लिमिट निकालना होता है। ये तो ऐसा मानकर कि चलिए, ये जो फंडा मैंने दिया है कई सारे सवाल में काम भी आ सकता है, कई सारे सवाल में काम नहीं भी आएगा। जो मैंने डायरेक्ट आपको डेरिवेटिव का लिमिट निकालने बोला है तो फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करके लिमिट निकालना पड़ेगा। लेकिन एक और तरीका है जिसको आप लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के नाम से बोला है। कैसे बोलते हैं बेटा लोग? पहले लिखने का तरीका देखिए, ऐसे लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ऐसा लिखते हैं, ये लिखा जाता है। दोनों में फर्क देखिए, अगर यहां पे मेरे को लिखना होता एफ ऑफ ए माइनस लिखता, इधर लिखता एफ ऑफ ए प्लस, एंड यहां पे लिखता एफ ऑफ ए। क्योंकि फंक्शन का मैं इस वैल्यू के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, मैं फंक्शन के इस वैल्यू पे राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, लेकिन ये लिखने का मतलब क्या होता है बेटा लोग? फंक्शन के डेरिवेटिव को मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं। सिमिलरली एफ डैश ए प्लस लिखा जाएगा, ठीक है जी? हाँ जी सर। ये होता कितना है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय माइनस एच, इधर हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइड बाय एच। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसको आप लोगों ने बोला था कि सर ये हम लोगों ने पढ़ के रखा है, जिसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। एग्जैक्टली आपने सही बोला है। अच्छा एक चीज और याद रखें कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव हमको नहीं मालूम होता है, सर हमको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कब यूज करना होता है? दो कंडीशन में आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा बेटा। पहला कि जब आपको सवाल बोल दिया जाए कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से ही कीजिए,
और ऐसा बोलने क्या जेई आएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा बोलने के लिए आपको जेई नहीं आएगा, जेई को तो आंसर से मतलब है। ऐसा बोलने के लिए आपको बोर्ड वाले पूछेंगे कि आप हमको डेरिवेटिव बताइए बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ये बोर्ड वाले हरकत करेंगे। लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि हमको फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना होता है जब हमें उस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम ही ना हो। मेरी बात को दोबारा सुन लीजिए कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज सिर्फ दो कंडीशन में करेंगे। पहला कंडीशन कि सवाल खुद से दे ना दे कि आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक कीजिए बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। एंड सेकंड कंडीशन इज कि जब आपको किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं मालूम है, आप फर्स्ट प्रिंसिपल यूज कीजिए, आंसर सही आएगा। सर ये कितना एक्यूरेट आंसर देता है? बेटा 100 नहीं 200% सही आंसर देता है ये। इससे गलत होने के चांसेस बिल्कुल जीरो है। अगर आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल रहे हो तो गलत हो ही नहीं सकता है। आपका डायरेक्ट मेथड गलत हो जाएगा लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल कभी भी गलत नहीं होता है। बात समझ में आ गई? अगर किसी को लिखना है तो लिख लीजिएगा। क्या बोला बेटा आपने? रुक जाइए। हाँ, किसी को लिखना है तो लिख लीजिए। सर प्रियंका बोल रही है कि उसकी क्लास नेटवर्क इश्यू के कारण लिफ्ट हो गई और अब उसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, तो उनको बोलिए बेटा कि या तो आप लिंक भेज दीजिए, ठीक है, नहीं तो उनको बोलिए कि नेटवर्क में जाकर के क्लास ज्वाइन कर लो। एक बार लिफ्ट हो जाए तो खुद ऑटोमेटिकली हो जाती ज्वाइन वैसे। एनीवे आते हैं यहाँ पे। आपको लिखना क्या है बेटा? लोग दो पॉइंट लिखना है यहाँ पे कि वी यूज फर्स्ट प्रिंसिपल इन टू कंडीशंस। फर्स्ट व्हेन क्वेश्चन इज आस्क्ड, सेकंड व्हेन द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज नॉट नोन। हिंदी में लिखना है तो लिख दीजिए कि पहला केस जब सवाल पूछे, दूसरा केस जब हमको किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम नहीं हो। हो गया? आगे चले? ना सर। यस सर। ठीक। क्या आप लोगों को कुछ दिन पहले टास्क दिया गया था तो आप लोगों ने किया है क्या? मैंने बोला था बेटा यूट्यूब पे जाओ, मॉड का, बॉक्स का, फ्रैक्शनल पार्ट का, तीनों का लेक्चर देख कर आओ। क्या आप लोगों ने देखा है? नोट्स से रिवाइज किया था। अच्छा, नोट से रिवाइज किया है आप लोगों ने? वीडियो देखी पर। कोई दिक्कत नहीं, नोट से रिवाइज किया ना? हाँ जी। वेरी गुड। जरा देखते हैं कितने बच्चों ने किया है, जरा हैंड रेज करना। बड़े लोग देखिए, कितने महान महान लोग मिलेंगे आपके ही बैच में। तो सिर्फ एक बच्ची ने इस बात को सीरियस लिया और रिवाइज किया है ना। अच्छा, अब तो कई सारे लोग हैंड रेज। ठीक है, नोट से रिवाइज किया, वीडियो देखकर रिवाइज किया, या टेक्स्ट बुक से रिवाइज किया, कहीं से भी किया वो फर्क नहीं पड़ता, किया है ना आपने, बस मेरे लिए वही सफिशियंट है। सो आउट ऑफ 39 सिर्फ 8 बच्चों ने किया है, तो 39 में से 2 तो मेरे को हटा दो, एक मेरा स्क्रीन और एक मैं, तो 37 में से 8 लोगों ने किया है, बाकी के बच्चे 29 लोग आपको मस्त ओला बुक करेंगे आईआईटी छोड़ने के लिए, टेंशन ना लो। बढ़िया, बुक करेंगे ओला, बुक करेंगे ओला, बना ओला सर। क्या आता है? क्या बुक करेंगे? आईटी जाना है ना, हमारी मंजिल तो आईटी जाना है, तो हम कैंप में बैठ करके आईटी जाएंगे, एग्जाम देकर आईटी नहीं जाएंगे सर ना, हम बुक करेंगे कैब और जाएंगे आईटी, और हम बोल के दिखाएंगे कि हाउ टू एंटर इनटू आईआईटी विदाउट स्टडी। यूट्यूब पे वीडियो भी बनाएंगे सर। ठीक है, थंबनेल वगैरह टाइटल वगैरह चाहिए तो मेरे से ले लीजिएगा, मैं अच्छा डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ। ठीक है, अरे देवा शर्म करो, थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, फिर बाद में बोलोगे कि सर यही सब चीज आया जो आपने पढ़ाया था और हम नहीं कर पाए, उस दिन बहुत रिग्रेट करोगे, आते हुए चीज हम नहीं कर पाओगे। एनीवे चलते हैं कहानी में बेटा लोग। सो ये तीन चीज अभी भी नहीं पढ़े हो तो रिवाइज कर लो। अब इसके लिए मैं क्लास तो छुट्टी करूंगा नहीं, एक दिन किया था, अब नहीं करूंगा। आते हैं पहले सवाल में। देखिए क्वेश्चन पूछा है आपसे कि कमेंट ऑन द डिफरेंशिएबिलिटी। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, जब x का वैल्यू 1 से छोटा है तो कुछ ऐसा है, x का वैल्यू 1 से बड़ा और बराबर है तो फंक्शन कुछ ऐसा है। बोला कि आप इसका डेरिवेटिव निकालिए। अब इस सवाल को करने के बेटा तीन तरीका है, हर डिफरेंशिएबिलिटी के सवाल को हम लोग तीन तरीका से कर सकते हैं। पहला
बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तीनों मेथड आपके सामने लिख रहा हूं, तीनों मेथड एक्चुअली तीन टॉपिक्स हैं, लेकिन हम हर सवाल में तीनों मेथड से समझ जाएंगे तो हमारा तीनों टॉपिक पैरेलली पूरा समझ में आ जाएगा। पहला होता है बेटा लोग बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। सर कितना सही आंसर देता है? बेटा 100% सही आंसर देगा। गलती होने के चांसेस इसमें ना के बराबर होते हैं। हाँ, आपके गलती होने के चांसेस नहीं बोल रहा हूं, आंसर आने के चांसेस बोल रहा हूं। सेकेंड होता है बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। थर्ड जो होता है वो होता है बाय यूजिंग ग्राफ, बाय यूजिंग ग्राफ। तीन तरीका है आपको हर फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए या निकालने के लिए। होता है ना कि फाइंड द नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट ऑफ द गिवन फंक्शन, तो ये सब निकालने के हमारे पास तीन तरीका है। सर जो सबसे ज्यादा सही अप्रोच है वो कौन सा है? बेटा पहला वाला। उसके बाद अगर कोई दूसरा अप्रोच होता है तो बेटा बाय यूजिंग ग्राफ, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो इस ढंग से पूछा जाता है कि आप उस फंक्शन का ग्राफ बना पाओ। मैक्सिमम चांस है कि आप उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। जो थर्ड, जो सेकेंड वाला है बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, ये तब यूज किया जाता है जब आपसे कोई दो वैल्यू पूछा जाए। जैसे कि आपको कोई फंक्शन दे देगा, बोलेगा एक से बड़ा के लिए फंक्शन कुछ ऐसा है, एक से छोटा के लिए फंक्शन कुछ ऐसा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड इफ द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो कुछ कंडीशन दे करके, आपको डिफरेंशिएबल बता करके पूछेगा कुछ अननोन वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करो। तो हम लोग डिफरेंशिएशन वाला मेथड ज्यादा आसान समझते हैं, लेकिन ये मेथड अप्लाई करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। व्हेनेवर यू आर यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑलवेज यूज द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। आपको पहला काम है कि कंटिन्यूटी से एक कंडीशन डेवलप कीजिए। सेकेंड काम होता है बेटा आप डेरिवेटिव निकाल करके लिमिट निकालिए, देन फाइंड लिमिट ऑफ, ये लिमिट है ना, फाइंड लिमिट ऑफ इट्स डेरिवेटिव। ये कर लेते हैं हम। एनीवे, अब एक सवाल है, मैं तीनों तरीका से करके दिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले बहुत आसान सवाल है, मैं ग्राफ से भी करके दूंगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी करके दूंगा और बाय यूजिंग डेरिवेटिव भी करके दूंगा आपको। स्टार्ट करते हैं मेथड नंबर वन से। ध्यान से समझिएगा, आइडिया मिल जाएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन आप तीनों मेथड से कर सकते हैं। ऑब्वियसली ग्राफ अगर बन जाए तो ही थर्ड वाला चेक करना, अदरवाइज हाथ मत लगाना उसमें। सबसे पहले मेथड वन पे जाते हैं कि सर फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए जी, आपसे फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब कि सर आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट वन पूछा जाए, एट एक्स इक्वल टू वन पूछा जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा लोग? लिमिट। मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. ये बोल करके दिखाओगे एट वन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा? लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन होल डिवाइड बाई माइनस एच। याद रखें यहां पे हमेशा a टेंडिंग टू जीरो आएगा। अब ये क्यों a टेंडिंग टू जीरो है? क्योंकि x में होने वाला चेंज बहुत मिनिमम था और आपने x में थोड़ा सा चेंज किया है। ये है क्या बेटा? ये स्लोप ही तो है। पहले मेरा x क्या था? पहले मेरा x 1 था, अब थोड़ा सा चेंज किया, लेफ्ट में चेंज किया तो 1 माइनस एच। ओवरऑल चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, कहानी बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। अगर आपको 2 भी निकालना होता तो क्या होता बेटा? सिर्फ यहां पे 2 आता और कुछ नहीं। सो 1 माइनस एच, ध्यान से देखिए, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। कोई भी बच्चा यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो यहां पे माइनस नहीं लगाएगा, क्योंकि एक्स में होने वाला चेंज हम लोग पॉजिटिव ही मानकर चलते हैं। सो दोनों ही केस में एच पॉजिटिव होता है। एफ ऑफ 1 माइनस एच, फंक्शन का वैल्यू जब 1 से छोटा है तो क्या होगा? 1 से छोटा है, 1 माइनस एच, 1 से छोटा के लिए फंक्शन का वैल्यू बेटा क्या है? x है। तो यहां पे आप क्या रखोगे x की जगह पे? 1 माइनस एच।
वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन, फंक्शन का वैल्यू एट वन निकालिए, एट वन जब वन है तो बेटा ये वाला वैल्यू ले रहा है एक्स स्क्वायर, वन स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा बेटा वन होल डिवाइड बाई माइनस एच, सो वन वन कैंसिल, माइनस एच कैंसिल, ओवरऑल आ रहा है आंसर आपका वन। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं बेटा, जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू वन लिखा कैसे जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग सॉरी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स, पहले वन था आप हल्का सा राइट गए तो क्या हो जाएगा बेटा लोग वन प्लस एच फाइनल माइनस इनिशियल, वन प्लस एच माइनस वन डिवाइड बाय एच, यही हो गया आपका। अब फंक्शन का वैल्यू वन प्लस एच रखना है, जब फंक्शन का वैल्यू वन से ज्यादा है तो जो फंक्शन होगा वहां पे एक्स का वैल्यू वन प्लस एच से रिप्लेस कर दीजिए आप, वन से ज्यादा के लिए बेटा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कैसे करेंगे आप लोग वन प्लस एच के होल स्क्वायर से, सो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वन प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस फंक्शन का वैल्यू एट वन, हमने ऑलरेडी देखा कि सर वन का स्क्वायर वन होगा डिवाइड बाई एच, सॉल्व करेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वन प्लस टू एच प्लस एच स्क्वायर माइनस वन होल डिवाइड बाई एच, वन से वन गया एच कॉमन लेकर के काट दीजिए, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच कॉमन लेंगे तो इधर हो जाएगा टू प्लस एच होल डिवाइड बाई एच, एच ने एच को पीटा, अब आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टू प्लस एच आ रहा है, क्योंकि ये डिटरमिनेट फॉर्म है तो डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं, एच की जगह पे जीरो रखेंगे आंसर आ गया। क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आए बेटा लोग, आंसर इज नो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका आया वन, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका आया टू, सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल सो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट वन, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल at x is equal to 1। क्या नहीं पहला मेथड सबको क्लियर है? नहीं सर। यस सर। किसी ने नहीं बोला क्या? मेरे को ऐसा सुनाई। उड़ गया था। क्या हुआ बेटा? नेटवर्क उड़ गया था, दोबारा बता दो। दोबारा समझ लेते हैं। चलिए जी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोबारा समझाओ पूरा या राइट हैंड डेरिवेटिव या पूरा? हां जी। मेरे को पूरा दोबारा बताना है या कोई राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कोई एक केस पूरा बताते हैं? चलिए जी ठीक है पूरा देखते हैं बेटा, हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है एट एक्स इक्वल टू वन पे, तो देखो कहानी ये आ रहा है कि सबसे पहले आपका कोई कर्व था, लेट से कि कर्व ऐसा था एक्स का वैल्यू वन था, अब वन में आप एक्स का वैल्यू एट वन तो आप चेंज करोगे ना, हमको क्या करना है सर स्लोप ही तो निकालना है, तो अब x का वन राइट जाएंगे तो वन प्लस एच होगा, लेफ्ट जाएंगे तो वन माइनस एच होगा, ये समझने के लिए ऐसा याद किया करो आप, तो जब आप लेफ्ट में जाओगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा वन माइनस एच, तो फंक्शन का ये और ये, अब इन दोनों के बीच में आप निकाल लीजिए रेट ऑफ चेंज निकाल लीजिए फाइनल माइनस इनिशियल, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि एट वन निकालना है तो एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन डिवाइड बाई माइनस एच, अब फंक्शन का वैल्यू वन से छोटा है वन से कम कर रहे हो तो आप देखिए वन से कम के लिए डेफिनेशन कौन सा यूज करोगे ये वाला, तो इस एक्स की जगह पे आप क्या रखोगे वन माइनस एच रखोगे, तो मैंने क्या किया वन माइनस एच रखा, फंक्शन का वैल्यू एट वन, फंक्शन का वैल्यू इक्वल टू वन पे देखिए इक्वल टू वन के लिए ये वाला फंक्शन है, तो एक्स की जगह पे आपको क्या रखना है वन रखना है, वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा वन, ये कैंसल माइनस एच कैंसल आंसर इज वन। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं एक्स इक्वल टू वन पे, राइट हैंड डेरिवेटिव में ये आएगा एफ ऑफ वन प्लस एच, अब देखिए जब एक्स वन था जब राइट से आएंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा वन प्लस एच, इसलिए हम राइट हैंड डेरिवेटिव में वन प्लस एच लेते हैं, लेकिन हर बार वन प्लस एच देखिए एक कॉमन मिस्टेक है जो सारे बच्चे करते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस यहाँ पे लिखेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव में प्लस यहाँ पे लिखेंगे, याद करने का तरीका है बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, पहले मेरा एक्स वन पे था थोड़ा सा चेंज किया तो वन प्लस एच हो गया, तो ओवरऑल चेंज वन माइनस एच माइनस वन, ओवरऑल चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों ही केस में फाइनल माइनस इनिशियल ही होगा। हाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में फर्क क्या होता है कि लेफ्ट में माइनस एच होता है और राइट में प्लस एच होता है, बस इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं है,
अब वन से प्लस कर रहे हो आप, वन से हल्का सा बड़ा डेफिनेशन ले रहा है फंक्शन मेरा, वन से हल्का सा बड़ा डेफिनेशन के लिए ये वाला डेफिनेशन यूज करोगे आप, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए एक्स स्क्वायर है, सो इन प्लेस ऑफ एक्स वी विल यूज वन प्लस एच, तो ये हो जाएगा बेटा लोग वन प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस अगेन एफ ऑफ वन, फंक्शन का वैल्यू एट वन, फंक्शन कौन सा है एक्स स्क्वायर है एट वन पे, तो वन का स्क्वायर हो जाएगा वन, सॉल्व करेंगे ये आएगा और कुछ नहीं, दोनों ही वैल्यू अलग अलग आए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका वन आया, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका टू आया, तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो ये पहला मेथड से हमने क्लियर कर लिया कि सर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू वन पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड मेरा क्या था, बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, फंक्शन मेरा दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन मेरा दिया है बेटा एक्स जब एक्स वन से छोटा है, एक्स स्क्वायर दिया है जब एक्स मेरा वन से बड़ा और बराबर है। अब मैंने आपको बोला था कि फंक्शन के डेरिवेटिव का लिमिट निकालना ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होता है, तो सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आप निकाल लीजिए। माइंड में ये रखिएगा कि सर ये फंक्शन जो दिया है क्या इसका डेरिवेटिव हमको आता है, अगर आता है तो निकालिए, नहीं आता है तो यू हैव अदर टू मेथड्स, या तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से अप्रोच कीजिए, नहीं तो आप ग्राफिकल अप्रोच कीजिए। लेकिन बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन आप ये मेथड तभी यूज करेंगे जब आपका फंक्शन दिया है और आपको डेरिवेटिव मालूम है उसका, अदरवाइज मत कीजिए। एंड ऑब्वियस बात है ना कि सर ये जब डिफरेंशिएशन यूज करके हम लोग इस मेथड का नाम रखे हैं कि डेरिवेटिव यूज करके इसको सॉल्व करना है, तो डेरिवेटिव आएगा तो ही तो यूज करेंगे ना सर। तो क्या मुझे x का डेरिवेटिव मालूम है? हाँ जी। क्या मुझे 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव मालूम है? हाँ सर। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव तुरंत निकाल लीजिए सर, f क्या हो जाएगा जब x 1 से छोटा है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा लोग, x का डेरिवेटिव 1, एंड जब x 1 से बड़ा और बराबर है तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। अब मैंने आपको बोला था कि फंक्शन के डेरिवेटिव का लिमिट निकालना ही डिफरेंशिएबिलिटी कहलाता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा लोग, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब मैं डेरिवेटिव का लिमिट निकाल रहा हूं, मैं कोई फर्स्ट प्रिंसिपल नाम नहीं लिया, मैंने बोला कि अब मैं डेरिवेटिव का लिमिट निकाल रहा हूं, तो x का डेफिनेशन दो जगह पे चेंज हो रहा है, एक 1 से छोटा के लिए ये, 1 से बड़ा के लिए ये, अब इन फंक्शन का लिमिट निकालिए आप। अब हमारे लिए सिर्फ लिमिट का सवाल रह गया, कोई फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं है यहाँ पे। अब क्योंकि फंक्शन 1 के अबाउट डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो 1 से छोटा के लिए लिमिट देखूंगा और 1 से बड़ा के लिए, दैट मींस मैं 1 से LHL और RHL चेक करने वाला हूं। तो 1 माइनस के लिए बेटा फंक्शन का वैल्यू कितना हो रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस के लिए 1 है, लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसका, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x, 1 प्लस के लिए जो फंक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चा लोग, 2x आ रहा है, देख रहे हो 1 से बड़ा के लिए आपका जो फंक्शन है वो 2x आ रहा है। अब ये डिटरमिनेंट फॉर्म में डायरेक्टली x का वैल्यू रखिए 1, सो ये हो जाएगा 2 into 1, that is 2। आप देख सकते हैं कि फंक्शन के डेरिवेटिव का लेफ्ट लिमिट 1 आया, राइट लिमिट 2 आया, जो एग्जैक्टली हमने बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूफ किया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आ रहा है। तो एक तरीका और है कि आप फंक्शन के डिफरेंशिएट करके लिमिट निकाल दो उसका। मैंने जो वर्ड यूज किया है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करके लिमिट निकालना है, अब ये मत कर दीजिए कि यहाँ पे आप फर्स्ट प्रिंसिपल लगा रहे हैं ना, फर्स्ट प्रिंसिपल हम ओरिजिनल फंक्शन में लगाते हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव में हम लोग सिर्फ लिमिट से काम चला लेते हैं। अब दोनों ही इक्वल नहीं आए, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलिए, या आप ये बोल सकते हैं कि सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। मेरी आवाज आ रही है सभी को? क्योंकि ग्राफ हमेशा ही अच्छा होता है। सो मेथड नंबर 3, बाय यूजिंग ग्राफ। ये मेथड भी कब आपको अप्रोच करना है, जब हमसे ग्राफ बन जाए, नहीं बने तो जाकर सुबुक रोना नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में कि सर हमसे ग्राफ नहीं बना। बेटा आपके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल है, वो हमेशा सही होगा और हमेशा आपसे हो जाएगा।
ये दोनों मेथड थोड़ा शॉर्ट होते हैं, थोड़ा बेहतरीन होते हैं, जल्दी होते हैं, इससे इसलिए हम दोनों मेथड प्रीफर कर लेते हैं। हमको जो फंक्शन दिया है वो दिया है फंक्शन एक्स है जब एक्स का वैल्यू वन से छोटा है, एक्स स्क्वायर है जब एक्स का वैल्यू वन से बड़ा और बराबर है। चलिए इस फंक्शन को हम लोग प्लॉट करके देखते हैं। सर वन से बड़ा के लिए, वन से बड़ा के लिए सबसे पहले वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ये रहा सर वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ, जो वन पे वन वैल्यू देगा, जो वन पे वन वैल्यू देगा, टू पे टू वैल्यू देगा, थ्री पे थ्री वैल्यू देगा। आइडेंटिटी फंक्शन इसी का तो नाम है। सर ये हो गया, वन से बड़ा के लिए मुझे इसका ग्राफ कंसिडर करना था। वन से बड़ा के लिए किसको कंसिडर करना है सर? आपको y इक्वल टू एक्स को कंसिडर करना है। मैंने गलत लिखा क्या? वन से छोटा के लिए करना था। ओके, कोई ना, यहां से मिटा देंगे इसको। ये रहा, क्या एग्जैक्टली वन के लिए लेना है क्या? आंसर इज नो सर। एग्जैक्टली वन के लिए आपको ये वैल्यू नहीं लेना है, क्योंकि वन तो इसके डोमेन में था ही नहीं। तो यहां पे एक व्हाइट बॉल आ जाएगा, यहां पे एक व्हाइट बॉल आ जाएगा। वन से बड़ा के लिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेना है। तो बेटा लोग, एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको आता है? बिल्कुल आता है सर। ये रहा एक्स स्क्वायर का ग्राफ, जो वन पे ही, वन स्क्वायर भी वन होता है ना, तो वन पे इंटरसेक्ट करेगा इनको, ये वन पे इंटरसेक्ट करेगा। वैसे याद रहेगा आप लोगों, तो मैंने जब एक्स स्क्वायर, एक्स पावर फोर, एक्स पावर सिक्स, एक्स पावर एट इन सबका ग्राफ बताया था, आपको बोला था पहले मॉड निकालें, वन माइनस वन जीरो पे किल फिक्स करें, याद है आपको? इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज का फंडा। तो एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों वन पे इंटरसेक्ट करते हैं, वन से बड़ा के लिए इसको यूज करना है। तो वन से बड़ा के लिए सर ये हटाइए, यहां से ये हटाइए, पूरे ग्राफ को डिलीट कर देंगे सर हम लोग यहाँ से। Yes, sir. और ये आपका फाइनली ग्राफ। क्या हो गया? हाँ जी, नहीं से मैंने बोला सावधानी से मिटाओ। बिल्कुल जादू नहीं करना है, मिट जा भाई, बहुत ज्यादा मिट गया। हो गया? Yes, sir. Wow, sir. और ये भी यहाँ से मिटाते हैं। तो ये फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, पहले सीधा गया, हल्का सा बेंड हो गया। अब एक बात देखिए कि हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो ज्योमेट्रिकली हम लोग क्या करते हैं सर, फंक्शन का उस पॉइंट पे टैंजेंट प्लॉट करके देखते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे मैं टैंजेंट ड्रॉ करूं, ध्यान से समझिएगा, अगर इस पॉइंट पे मैं टैंजेंट प्लॉट करने जाऊं, एक लेफ्ट टैंजेंट प्लॉट करूंगा और दूसरा राइट टैंजेंट प्लॉट करूंगा, तो जैसे ही मैं लेफ्ट टैंजेंट प्लॉट करने की कोशिश करूंगा बेटा, एक टैंजेंट आएगा ऐसा, ये। जब राइट से टैंजेंट निकालूंगा इस पॉइंट पे, तो वो टैंजेंट आएगा कुछ ऐसा। कर्व पे टैंजेंट निकालने की कोशिश कीजिए, देख रहे हो आप लोग? यस सर। तो ये लेफ्ट टैंजेंट, ये वाला, ये लेफ्ट टैंजेंट, एंड ऊपर वाला कौन सा टैंजेंट है? राइट टैंजेंट। क्या दोनों ही टैंजेंट बराबर है? आंसर इज नो। जब दोनों टैंजेंट बराबर नहीं है, मतलब सर दोनों टैन थीटा बराबर नहीं है, दैट मींस dy बाय dx बराबर नहीं है, तो दोनों फंक्शन, ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कैसे हो जाएगा? सर आपको कैसे मालूम टैंजेंट नहीं है? क्योंकि बेटा हमने बचपन में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के रखा था, हमको हमारे सर ने पढ़ाया था। आपको पता चाहिए कि सर ये होता है थीटा, ये होता है थीटा, दोनों थीटा सेम नहीं है, तो सर इनके टैन थीटा कैसे बराबर हो जाएंगे? यस सर। दोनों थीटा सेम कब होते हैं? जब लाइंस पैरेलल होते हैं। तो हम लोग बोलते हैं सर करस्पॉन्डिंग एंगल से सारे थीटा बराबर, ये लाइन पैरेलल ही नहीं है सर, लाइन तो इंटरसेक्ट कर गया। बात समझ में आ गई? यस यस। सो दोनों टैंजेंट बराबर नहीं है, इसका मतलब सर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एक पॉइंट आप लोग नोट करके लिख सकते हैं, फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कब नहीं होगा। हेडिंग डालते हैं, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कब नहीं होता है? चार केस होगा। पहले मैं ज्योमेट्री के लिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। अगर फंक्शन का ग्राफ टूट गया, ऐसा गया ऐसा गया,
ये दोनों ही पॉइंट पे फंक्शन का ग्राफ टूटा है, तो आप बोलेंगे सर इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. सो एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है? क्योंकि सर फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है. अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करना जान जोखिम में डालने के बराबर है, मत कीजिए ऐसा. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, कब सर फंक्शन कब आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा? जब आपको एक यूनिक टैंजेंट ना मिले, या इसको बोला जाता है जब आपको कोई शार्प कॉर्नर मिल जाए. लेट्स से कि एक आपका ऐसा आया एंड फिर आपका ऐसा आ गया, तो क्या आप यहाँ पे देखें कि सर ये एक शार्प कॉर्नर है? यस यस सर. शार्प समझते हो ना? यस सर. पंछी का मुंह, चोंच. सर हमारा दिमाग. वैसे शक्ल का ग्राफ नॉट डिफरेंशिएबल होता है. सर आप क्या हुआ? मैंने कहा जैसे आपका दिमाग है. क्या बोला आपने? जैसे आपका माइंड है. धन्यवाद. बिल्कुल सही बोला आपने. आगे चलते हैं. अगर यूनिक टैंजेंट एग्जिस्ट ना करे फंक्शन, अब इतनी तारीफ मत करो, नहीं तो ये एहसान मैं भूल नहीं पाऊंगा, मेरे को भी तारीफ करनी पड़ जाएगी, है ना? हम एहसान नहीं करते. हाँ, मैं आपको हकीकत बयां कर रहे हैं ना. यस सर, आप जानते हो ना. बिल्कुल. चलिए जी आगे आते हैं बेटा लोग. जब कष्ट पॉइंट आता है, इसका मतलब कि सर अगर ग्राफ कुछ ऐसा आ गया तो भी हम फंक्शन को नॉट डिफरेंशिएबल बोल देते हैं. मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आपका प्लस इंफिनिटी, राइट हैंड लिमिट आपका माइनस इंफिनिटी हो गया तो भी आप बोलेंगे सर नॉट डिफरेंशिएबल, और इसको बोला जाता है कस्प पॉइंट. जब एक इंफिनिटी जाए दूसरा माइनस इंफिनिटी जाए. फिलहाल इसमें तो नहीं जा रहा है, अगर आपको दिखाना ही था तो मैं कुछ ऐसा दिखा दिया रहता. ग्राफ 1/x का ग्राफ बेहतरीन एग्जांपल है इसके लिए. सर कुछ ऐसा बना दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका ये हो गया, राइट हैंड लिमिट आपका ये हो गया, तो इसको बोला जाता है सर कस्प पॉइंट है. कि एक लिमिट प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, दूसरा लिमिट माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इस केस में भी फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल बोला जाता है. सबसे मेन जो चीज है बेटा ये वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्राफ है वो ये वाला है, शार्प कॉर्नर. इसलिए हमारे इस चैप्टर में मॉडुलस हीरो बनता है, क्योंकि मॉडुलस का काम ही है, मॉडुलस का काम ही है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना. मान लीजिए बेटा आपके पास साइन एक्स का ग्राफ है. ये एक सवाल भी था जेई में पूछा गया था, लेकिन उस सवाल के थोड़े पार्ट को मैं आपके सामने दिखा रहा हूं. वो छोड़ो, मुझे चेक करना बेटा वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स का डिफरेंशिएबिलिटी. तो सबसे पहले मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा सर लॉग एक्स का ग्राफ. ध्यान से समझिएगा, लॉग एक्स का ग्राफ बेटा होता है कुछ ऐसा. ये वाला पॉइंट जो होता है ये होता है 1, 0. अगर x में मॉड लगता है तो हमने क्या सीखा है सर, डिलीट लेफ्ट हैंड साइड, कॉपी पेस्ट राइट हैंड साइड. याद है आपको ये फंडा, मॉडुलस का ग्राफ कैसे बनता है? अगर x पे मॉड लगे तो डिलीट लेफ्ट हैंड साइड, कॉपी पेस्ट राइट हैंड साइड. पूरे फंक्शन पे मॉड लग जाए तो आप सीधा बोल देना सर कि डिलीट द पोर्शन लाइन बिलो द x एक्सिस, ऊपर वाले में आप उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, रिफ्लेक्ट कर देते हैं जो एक्स के नीचे होता है वो वाला. अब ये सवाल मान लीजिए ऐसा ही होता, क्या आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है लॉग मॉड एक्स का मॉड का, तो आप सबसे पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे? लॉग मॉड एक्स का. लॉग एक्स का ग्राफ ये, मॉड लग गया तो हम लेफ्ट साइड का ग्राफ डिलीट करते हैं, राइट साइड वाला कॉपी पेस्ट करते हैं. फिलहाल हमारा लेफ्ट साइड में कोई ग्राफ है नहीं तो डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन राइट साइड वाले ग्राफ को कॉपी पेस्ट जरूर करेंगे. तो ये हो गया कॉपी पेस्ट, सेम रिफ्लेक्ट करा दीजिए ग्राफ को. अब ये 1, 0 पे था तो अगर रिफ्लेक्शन लेंगे तो -1, 0 होगा. तो मैंने ग्राफ बना दिया लॉग मॉड एक्स का, अब मेरे को पूरा मॉड लेना है. पूरा मॉड क्या बोलता है कि जो नीचे वाला पोर्शन है उसको आप
ऊपर लेके आ जाइए। तो मैं क्या करूंगा, ये पोर्शन को डिलीट कर दूंगा, ये पोर्शन यहां से डिलीट हो जाएगा, ये वाला इधर से डिलीट हो जाएगा, जो माइनस इनफिनिटी को जा रहा है अब वो बेटा कहां पे जाएगा, प्लस इनफिनिटी पे। तो ये ऐसा हो जाएगा और ये वाला ऐसा हो जाएगा। तो क्या आपको एक पंछी का चोंच दिखा? दिखा सर। कहां पे दिखा? दो पॉइंट पे। कौन कौन से पॉइंट पे? वन पे और माइनस वन पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू माइनस वन एंड वन। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो ग्राफ एक बेहतरीन तरीका होता है नॉट डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का या डिफरेंशिएबिलिटी निकालने का। आई होप तीनों मेथड आपके दिमाग में गया रहेगा। यस और नो? बोल नहीं रहे। ये वो लोग हैं जिनको log mod x का ग्राफ नहीं आता है, mod of log x का ग्राफ नहीं आता है। मुझे याद है मैंने फंक्शन पे दो असाइनमेंट दिए थे जिसमें सिर्फ मॉडुलस पे ग्राफ बनाने के लिए दिए गए थे। याद है आपको फंक्शन का असाइनमेंट 7 या 9 था, कुछ ऐसा ही। अच्छा, अगर पूरा नहीं करना है ना बेटा, आप महान लोग, आपके पास समय नहीं मिलता रहेगा, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन उसमें कर लीजिए, सिर्फ 10, ज्यादा नहीं। अब 10 भी अगर बस नहीं है तो बेटा एक काम करो सर, कर लेंगे सर, टेंशन मत लो यार, तुम लोग खाली बोर्ड जेई के लिए पढ़ रहे हो। हाँ जी दीपिका बेटा बोलिए। दोबारा से बताओ आपने क्या बोला, मेरी क्लास लेफ्ट हो गई। वाह, क्या ना, मेरे मम्मी पापा ने बचपन में वही नहीं पिलाया ना, हॉर्लिक्स नहीं पिलाया था, एनर्जी आए नहीं उतना। मैंने बेइज्जती करने को नहीं बोला, मैंने बोला कि आप बताओ फिर। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो ग्लूकोज पी के आया करूंगा, ज्यादा एनर्जी रहे। आपको फंक्शन के असाइनमेंट मिले थे बेटा लोग 7 या 9, जो सिर्फ ग्राफ पे थे, 7, 9, 11, कुछ और नंबर का असाइनमेंट था। आप देखिएगा फंक्शन का असाइनमेंट मैंने बहुत ज्यादा नहीं दिया है, बोला था 20 असाइनमेंट देने का, लेकिन 4 असाइनमेंट देने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ, भगवान मेरे को माफ नहीं करेंगे, तो मैंने असाइनमेंट कम किया। फिर मैंने सिर्फ ग्राफ वाला असाइनमेंट दिया, कुछ नहीं होता तो 10 क्वेश्चन कर लो उसमें का, ठीक है? मैंने दोस्ती करे शायद। हाँ जी मैंने किए शायद। शायद वही, शायद वर्ड हट जाना चाहिए वहां से, कंफर्म बोलिए कि किए हैं। नोटबुक देख लेना आप, तो आपको ये सब ग्राफ इंदी चिंदी लगेंगे बहुत ज्यादा। नहीं किया रहेगा सर, वही होगा जिसमें सारे ग्राफ ही ग्राफ है, पूरी पीडीएफ ग्राफ ही ग्राफ। 50 सर वो मैंने ग्राफ के 78 ग्राफ है उसमें शायद। असाइनमेंट कर दिया तो बस बढ़िया हो गया आपके लिए, लेकिन नहीं, हम कहां सुनेंगे आप, YouTube पे जाकर देखिए, है ना, कि IT 5 दिन पढ़ के कैसे निकालते हैं हम लोग, मिलेगा आपको। एनीवे आते हैं बेटा कहानी में, आपके लिए एक टास्क। अब हर एग्जांपल के बाद एक होमवर्क देता ही हूं, तो इस बार भी लीजिए। आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर। बड़ा बढ़िया सवाल है सर, क्या इसको ग्राफ से कर सकता हूं? ट्राई कीजिए, किसी भी फंक्शन के ऊपर स्क्वायर लगने से फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, यह भी चीज मैंने आपको बता के रखा है। याद है आप लोगों को बेटा लोग, मैंने आपको बताया था साइन एक्स का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, ये भी बता के रखा है, याद करें ये सब चीज। थोड़ी पुरानी बात है, इतना दिन तक याद होता नहीं कोई चीज, लेकिन फिर भी कष्ट करेंगे याद हो जाएगा। एनीवे आते हैं बेटा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये रहा आपका सवाल, क्वेश्चन है फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सिर्फ सवाल आपसे ज्यादा मेहनत करने के लिए नहीं बोला है, बोला है कि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए। राइट हैंड डेरिवेटिव का छोड़ दो, वो कोई और निकाल लेगा, आप LHD निकालो। फॉर f ऑफ x कुछ ऐसा फंक्शन दिया है, ये बॉक्स x है, इनटू में साइन ऑफ पाई x है, एट x इक्वल टू n, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। वेरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन कि सर n इंटीजर बिलोंग कर रहा है, n हमारा इंटीजर है, उसको इग्नोर मत करना। चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डायरेक्ट हम लोग सर लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू n, x इक्वल टू n पे हमको LHD निकालना है। कैसे लिखे जाएगा बेटा लोग, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ, देखो x n पे निकालना है, तो पहले मेरा फंक्शन n था, लेफ्ट में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, n माइनस h, माइनस में
एफ ऑफ एन डिवाइड बाय माइनस का एच। ये वाला क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एन क्या लिखा हूं, ये लिखा हूं, ठीक है। ये दोनों एच में कंफ्यूज नहीं होना, वो एन ही है। चलो मैं एन को थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं, डिजाइन बना देता हूं ताकि समझ में आए। सो एन माइनस एच। अब इसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। सो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एन माइनस एच, फंक्शन में आप एन माइनस एच रखेंगे तो ये होगा बेटा एन माइनस एच का बॉक्स इंटू साइन ऑफ पाई इंटू एन माइनस एच, माइनस में फंक्शन के अंदर एन डालेंगे, बॉक्स एन इंटू में साइन एन पाई डिवाइड बाय माइनस का एच। आप में से कितने लोगों को पता है एन पाई क्या होता है साइन? जीरो परफेक्ट, जीरो वो हो गया बेटा लोग जीरो। तो ओवरऑल पार्टी जीरो, क्योंकि जिंट एन कुछ कर नहीं पाएगा सर, साइन ही जीरो हो गया तो जीरो इंटू एनीथिंग, पूरा पार्टी जीरो। बचा क्या कहानी में? सिर्फ बचा ये वाला। अब ध्यान से समझिए एक बात को, आपको एक प्रॉपर्टी सिखाया गया था, जेंट का प्रॉपर्टी सिखाया गया था, जरा रिकॉल कर लेते हैं उसको। प्रॉपर्टी था क्या? दो डायलॉग आप लेके बोला था। पहला बोला था कि बॉक्स हर इंटीजर वैल्यू को बाहर निकाल देता है। तो अगर आपके सामने ये कुछ लिखा हो एक्स प्लस आई वेयर आई इज इंटीजर, तो आप आंख बंद करके आई को बाहर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज फ्रैक्शनल पार्ट में गायब हो जाती है। अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई इंटीजर दिखा तो आप इंटीजर को गायब करके सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स लिखेंगे। और हमने क्या पढ़ा था सर कि अगर, हाँ बाकी तो आप लोग जानते ही हो, ये दो सबसे क्रूशियल इंफॉर्मेशन था, जैसे नीड होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, फिलहाल दो पे ही काम चलाते हैं सर। अब ये एन माइनस एच है, एन हमारा क्या है सर? एन हमारा इंटीजर है और बॉक्स इंटीजर को साथ नहीं रखता है, बाहर फेंक देता है। तो फिलहाल जो लिमिट में बच रहा है उस पर जरा ध्यान दीजिए। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो एन माइनस एच, एन तो बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। अब एच जो है बेटा लोग वो जीरो को टेंड कर रहा है, ध्यान से समझिए, एच क्या है? जीरो को टेंड कर रहा है और जीरो पॉजिटिव है। अब अगर कोई बच्चा एच लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को जीरो माइनस समझे तो यहां पे गलती 100% करेगा वो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो या राइट हैंड डेरिवेटिव हो, एच हमारा पॉजिटिव ही होता है। सो एच इज जीरो समथिंग, जीरो पॉइंट समथिंग। अब वो जीरो पॉइंट समथिंग में माइनस लगाए तो आपका माइनस जीरो पॉइंट समथिंग हो गया। अब उस माइनस जीरो पॉइंट समथिंग का जब आप बॉक्स लोगे तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा लोग? -1। तो ये हो जाएगा एन माइनस वन। लॉजिक समझ में आया कि ये पूरा कहानी एन माइनस वन कैसे बना? वापस समझा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए, एन हमारा इंटीजर है तो बॉक्स से बाहर आया, तो बचा आपके पास एन एन माइनस एच। एच हमारा जीरो पॉइंट समथिंग है और माइनस लग गया तो माइनस जीरो पॉइंट समथिंग हो गया, माइनस जीरो पॉइंट समथिंग का बॉक्स क्या होता है? -1 होता है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा बेटा लोग? एन माइनस वन। क्लियर है? यस बिल्कुल सर। अब उधर ध्यान देते हैं, ये जो चीज लिखा है साइन ऑफ एन पाई माइनस पाई एच। फॉर्मूला पे ब्रेक करते हैं, साइन ऑफ ए माइनस बी पे। साइन ए कितना? साइन ऑफ ए माइनस बी बोल के दिखाएंगे क्या होता है। साइन ए साइन ए कॉस कॉस बी बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए माइनस साइन बी। फाइव अब अगेन साइन एन पाई क्या हो गया बेटा लोग? जीरो। तो जीरो जीरो इंटू ये पूरा पार्टी जीरो, बचा आपके सामने माइनस कॉस एन पाई साइन पाई। यस साइन एन कॉस एन पाई में खासियत होती है, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला क्वाड्रेंट वाला टेबल याद हो तो आप जानते रहेंगे कि सर यहां पे मेरा इवन पाई आता है, यस यहां सर पे मेरा ऑड पाई आता है। इवन पाई पे कॉस का वैल्यू 1, ऑड पाई पे कॉस का वैल्यू -1। कॉस के पास सर दो ही शक्ति है आंसर देने के लिए, आइदर दिस विल बी -1 और इट विल बी +1, डिपेंड करता है सर एन का वैल्यू क्या है। अगर एन मेरा इवन हुआ तो आंसर क्या देगा बेटा लोग? 1। अगर मेरा एन ऑड हुआ तो आंसर क्या देगा? -1।
ओवरऑल जो ये लिखा है वो लिखा है -1 का पावर n साइन पाई एच, यही तो लिखा है, समझ में आया? ये वैल्यू इससे रिप्लेस हुआ। अगर इनका वैल्यू इवन डालेंगे, इवन डालेंगे, अगर इनका वैल्यू इवन डालेंगे आप, तो ये पूरा पार्टी आंसर कैसा देगा? ये पार्टी देगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। सो इवन पे दे रहा है माइनस, ऑड पे देगा प्लस। प्लस कैसे देगा? ऑड पे ये कॉस एन पाई माइनस आंसर देगा, एक और माइनस बैठा है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे एन प्लस वन लिखना पड़ेगा। इवन पे प्लस, ऑड पे माइनस, इवन पे प्लस, ऑड पे माइनस। आप इवन रख कर देख लीजिए, जब आप इवन रखेंगे तो एन का वैल्यू रखोगे टू, टू प्लस वन हो जाएगा थ्री। रखकर देखिए आप, इवन पाई, लेट्स पुट एन इक्वल टू टू, माइनस कॉस टू पाई साइन पाई एच। कॉस टू पाई कितना होता है बेटा लोग? वन। तो हो जाएगा माइनस साइन पाई एच। ऊपर में भी रखकर देख लीजिए, माइनस वन का पावर टू, टू प्लस वन थ्री, साइन पाई एच। माइनस वन का क्यूब कितना हो जाएगा? माइनस वन साइन, माइनस वन इंटू साइन पाई एच, माइनस साइन पाई एच। हो सकता है कि दो तीन दिन बाद जब आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे तो बेटा आपको डाउट आएगा कि सर ने एन प्लस वन लिखा कहां पे। तो वापस से आपको बता रहा हूं कि आप जब इवन रखेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन इस माइनस के चलते वो ओवरऑल नेगेटिव आंसर देगा। तो उसको हमने एडजस्ट करने के लिए एन प्लस वन लिखना प्रीफर किया है। तो जो हमारे पास बचा वो इसके जगह पे मैं लिखने जा रहा हूं सिर्फ ये वाला चीज, माइनस वन, माइनस वन का पावर एन साइन पाई एच, साइन पाई एच। ओवरऑल आप एच का वैल्यू जीरो रख सकते हैं। कुछ हमने गलती किया, साइन ऑफ ए माइनस बी, हाँ जी। अच्छा, ये मल्टीप्लाई है एन माइनस वन, जीरो माइनस, यस। ये जो चीज है ये यहां से मल्टीप्लाई होगा आपका जीरो माइनस में, माइनस वन पावर एन प्लस वन साइन पाई एच से। ध्यान दीजिए ये माइनस में है, साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ये माइनस में है, इससे आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्टली जीरो नहीं लिखेंगे। ओवरऑल आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आंसर कितना आ रहा है। ओवरऑल आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हो जाएगा आपका माइनस वन पावर एन प्लस वन एंड साइन पाई एच, साइन पाई एच एन माइनस वन, शायद यही आएगा। समझ गए? इस क्वेश्चन को आप लोग दोबारा जाकर देखना है, सभी बच्चे दोबारा देखेंगे। बहुत अच्छा सवाल था। अगर ये सवाल आप समझ गए हैं तो ये वाला सवाल आपके लिए आसान होगा। ये वाला सवाल को कैसे करोगे आप? तीनों मेथड से करोगे। डिफरेंट नहीं, डेरिवेटिव तो नहीं निकाल पाएंगे आप लोग, दो मेथड से करेंगे, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड मेथड होगा कि आप इसका ग्राफ बना करके डेरिवेटिव निकालिए हाफ पॉइंट पे। डन है? यस सर। वो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, दोनों कर लेना। आपका डिफरेंशिएबिलिटी नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, इतना ही सीखना है। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं आपसे अब कल नहीं परसों, कल तो आपकी क्लास में लेक्चर नहीं है।